नमस्कार, मैं रुबीना सैफी, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़। जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में बैटरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों की बैटरी व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भीषण थी कि 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की लगाकर भी 5 घंटे में आग पर काबू किया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगी बैटरी की दुकान में, क्या पूरा मामला है भाई? ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी। सुबह 7:30 बजे जानकारी मिली, फिर तभी फायर ब्रिगेड को फोन पर सूचना दी गई। वहाँ से फायर ब्रिगेड आई, शटर को कटर से काटा गया। इसमें सुना है कि कोई पुलिस वाला भी शटर जैसे हाथ लगा रहा था, वो करंट लगा उसके भी। शुरू में ये देखा नहीं, लाइट बंद नहीं थी। फिर SC बिजली को फोन करा गया, उन्होंने लाइट कटवा दी गई। शुरू में करंट था, पर जब विभाग को जान गए तो उन्हें सप्लाई बंद कर दी। कितनी गाड़ी मौके पर पहुंची है फायर सर्विस की? यहाँ पे शामली फायर ब्रिगेड की जितनी गाड़ी थी, कैराना से भी गाड़ी मंगाई, वो और आवश्यकता इन्होंने मुजफ्फरनगर भी फोन कर दिया, पर उसको अब रोक दिया गया है क्योंकि आग अब कंट्रोल हो गई है। आग कितने घंटे तक चली? 7:30 बजे सूचना मिली थी, अब देख ले 9:15 बज गए, तो लगभग 2-1 घंटे। व्यापारी का कितना नुकसान हुआ है इसमें? अभी सही आंकलन नहीं किया जा सकता, पर लाखों में नुकसान है। वो तो पूरी आग देखने के बाद, पूरा वो दुकान खोलने के बाद पता लगेगा कितना नुकसान हुआ है, पर लाखों में नुकसान है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लगी, और कोई कारण आग लगने का नहीं है।